हाँ जी जी हाँ, आज मैंने नामांकन कर दिया है और सभी एलनाबाद की तमाम जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा, आपका साथी एक बार फिर से एलनाबाद विधानसभा के चुनावी रण में आ चुका है और मेरा जो मुकाबला है, मैंने पहले भी कह दिया था, एक तरफा वो धनाढ्य और पूंजीपति लोग हैं और दूसरी तरफ ये मजदूर का बेटा है, आपका बेटा है, जिसने सदैव आपकी लड़ाई लड़ी है। मैं हर गाँव में गया हूँ और हर गाँव में मेरे को बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद मिला है और इस बार भी बढ़ चढ़ करके युवा साथी है, मेरी बहनें हैं, युवा है, बड़े बुजुर्ग है, आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से जैसे नितिन जी मेहता है और इनेलो से जैसे अभय सिंह चौटाला है और अभी कांग्रेस की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, तो आप अपना मुकाबला किससे मान लीजिए? देखो जी, मैंने पहले भी कह दिया था, मेरा मुकाबला किसी साथ नहीं है। इस बार इलाहाबाद की विधानसभा की जो जनता है वो मुद्दों को देख करके, काम को देख करके अपना वोट करेगी। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बरसाती मेंढकों की तरह आते हैं, चुनाव के दौरान आते हैं, आम आदमी से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। इस बार मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप जो है मुद्दों को देख करके, काम को देख करके वोट दें। मैंने सदैव आपके बीच में रह करके तमाम मुद्दे उठाए हैं और शासन प्रशासन और सरकार तक ले जा करके हल करवाए। ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पे भरोसा करके जनता आप पर विश्वास करे और आपको मत करे? शिवराज जी, आपने ठीक प्रश्न किया, ये खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ इलाका है और खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ इलाका है तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात जो है किसान की आती है और किसान को आज हम देख रहे हैं क्या दुर्दशा है किसान की। नकली बीज उनको मुहैया करवाया जा रहा है और किस प्रकार वो परेशान और हताश है, गुलाबी सुंडी का प्रकोप चल रहा है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इलाहाबाद विधानसभा की जनता मेरे को यहाँ का प्रतिनिधि बना करके भेजती है, उनको अच्छी क्वालिटी का बीज मुहैया करवाऊंगा। इसके साथ साथ किसानों को, जो 5 एकड़ से कम के किसान भाई हैं, उनका सारा कर्जा माफ किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा, किसानी के साथ साथ मजदूर का भी अहम रोल रहता है। मजदूर भाइयों को, जो सांगठनिक मजदूर है, उनको किसी प्रकार की हरी बीमारी हो जाती है तो मैं चाहता हूँ उनको सरकार राहत कोष के रूप में 5 लाख रुपए दे। अगर उस मजदूर साथी की मौत हो जाती है, कम से कम 20 लाख रुपया राहत कोष के रूप में उनका सरकार दे। चाहे वो अनचम के कर्मचारी, आपने देखा मैंने बड़ी बेबाकी के साथ उनकी आवाज़ उठाई, चाहे वो गांव के सफाई कर्मी है, चौकीदार है, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हमारे इलाहाबाद हल्के के एक नातूसरी चोपटा एरिया है, वहाँ पर कॉलेज नहीं है कि मैं नातूसरी चोपटा क्षेत्र के अंदर स्पेशल महिला कॉलेज लेके आऊँ। हमारे युवा साथी आज परेशान हो गए हैं क्योंकि उन्हें दूरदराज शहरों के अंदर तैयारियों के लिए जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि अगर इलाहाबाद विधानसभा की जनता मुझे प्रतिनिधि बना करके भेजती है स्पेशल इस इलाहाबाद हल्के के अंदर, मैं अकेडमी लेके आऊँगा, जो हमारी पुलिस की, आर्मी की जो तैयारी करने वाले युवा है उनको कहीं दूरदराज शहरों के अंदर न भटकना पड़े। मैं चाहता हूँ हमारे नातूसरी चोपटा एरिया, जो सेमग्रस्त इलाका है, उनकी भूमि को कैसे उपजाऊ किया जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। चाहे वो किसान, मजदूर, कमेरे, व्यापारी, विद्यार्थी है, हर वर्ग की बेबाकी के साथ मैं आवाज को बुलंद करूंगा। एक बार फिर से आप सभी मीडिया साथियों के सामने इलाहाबाद की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार फिर से आपके बेटे को मजबूती दे और विधानसभा में भेज करके इलाहाबाद हल्के को खुशहाल करने का काम करे। धन्यवाद, शुक्रिया।